ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के कर्मचारियों ने बल्लभगढ़ डिपो पर धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर सरकार निजी बसों को परमिट देती है तो इससे सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। वहीं बल्लभगढ़ डिपो के सचिव करमचंद देशवाल ने बताया कि सरकार ने पहले भी निजी बसों को परमिट दे रखे हैं, लेकिन कोई भी बस अपने निर्धारित रूट पर नहीं चलती है, बल्कि निजी बसों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलाया जाता है, जिससे रोडवेज को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उधर बल्लभगढ़ डिपो के प्रधान राज सिंह सौरोत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपने निजी बसों को जो परमिट देती है, ये अपने उनके चाहने वाले या रिश्तेदार होते हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि सरकार निजी परमिट देना चाहती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है कि रोडवेज के बेड़े में 10,000 बस शामिल की जाए और 50,000 की भर्ती की जाए। बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, जनता को सुविधा मिलेगी। हमारे स्टेट की बॉडी ने ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन सौंपने के बाद में जब भी कोई ऐसा सिस्टम सरकार लागू करती है, हमें ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं होती। हम तुरंत प्रभाव से अपने एक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि ये जनता की सुविधा है और कर्मचारियों का अपना हमारी यकनी है। ये तो जनता की सुविधा के लिए एक मांग रहे हैं। हम मिलेगा, हम जब तक अगर ये सरकार इसको वापस नहीं लेगी, हम किसी भी सूरत में अपनी आंदोलन को चलाएंगे, हड़ताल भी करेगी, धरना प्रदर्शन भी होगा। अगर भूख हड़ताल भी बैठना पड़ेगा तो वो भी बैठेंगे। हम जो भी यूनियन के माध्यम से जो होगा हम वो काम करेंगे। और मैं जो ये हमारा प्रदर्शन चल रहा है, इस प्रदर्शन के माध्यम से और इन कर्मचारियों की एकता को देखते हुए मैं कहना चाहूँगा, सरकार से एक निजी परमिट ना दे। अगर निजी परमिट देने हैं तो अपने चहेतों को परमिट दे रही है, अपने चहेतों के लिए परमिट जारी कर रही है। जबकि जो पहले हमारी साइनों की एक पॉलिसी चलाई थी, साइनों में ये हुआ था कि कौन किसान ज़्यादा हुए तो हर आदमी ने रोडवेज की बस मांगी थी। आज जब ये कोर्ट में गई तो कोर्ट में भी हार चुकी है सरकार। इन दोबारा सरकार ये जो नई पॉलिसी ला रही है, हम इस पॉलिसी को बिल्कुल बहाल नहीं होने देंगे, या हमें अपने लास्ट तक हमें मरना पड़े। आपको क्या हानि है अगर निजी परमिट दे देती है तो? हानि क्या होती है आपको? हमारी हानि है कि प्राइवेट जो परमिट है जोर को दे रही है, ये सरकार अपनी मनमानी अपने चहेतों को दे रही है। क्योंकि जो प्राइवेट गाड़ी है वो जब भर जाएगी, जब चलेगी, जो खचाखच भर जाती है, रोडवेज की गाड़ी को सरकार पब्लिक जो गाड़ी मांगती है, रोडवेज गाड़ी इसलिए मांगती है, एक टाइम पर पहुँचाती है और एक संपूर्ण सरकार के बराबर किराया लेती है। जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो मनमाना कर वसूल करती है। जो पिछली बार भी परमिट दिए थे वो गाड़ी एक भी प्राइवेट अपने रूट पर नहीं चलती, जो कि हाईवे पर चल रही हैं, जो कि सरकार की सरासर बेईमानी है। और सरकार अपने चहेतों को परमिट देना चाहती है। मिली भगत से ये गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। आज भी आगरा, मथुरा, अलीगढ़ में प्राइवेट निजी बस चल रही है, जिनको RTO साहब भ्रष्ट रूप से पैसे लेके गाड़ी चलवा रहे हैं, जिसमें GM रोडवेज या कोई भी अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। आज बाहर जाके देख लो, जो कि प्राइवेट गाड़ियों का बिल्कुल धंधा लगा पड़ा है। प्राइवेट गाड़ी किसी की गाड़ी बंद करते हैं तो प्रशासन उसका कोई कमर नहीं।